नमस्कार, मैं आपका बात बेबाक में आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। राजनीति में कड़वाहट होती है, राजनीति में तकरार होती है, लेकिन कई बार वो सियासी तकरार एक ऐसी कड़वाहट में तब्दील हो जाती है जो शब्दों के जरिए जब आपकी जुबान से बाहर निकलती है तो पता चलता है कि शायद आप उस इंसान को कितना नापसंद करने लगे हैं या आपका कितना बड़ा विरोध हो चुका है किसी इंसान से, किसी अपने विरोधी शख्स से। ऐसा ही कुछ बिहार में देखने को आज मिला। 8 महीने से ज्यादा हो चुके हैं जब महागठबंधन की सरकार खत्म हो चुकी थी, उसके बाद एनडीए की सरकार बनी और तब से लगातार ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी रही थी कि बहुत ज्यादा कड़वाहट के बाद नीतीश कुमार ने महागठबंधन सरकार को खत्म करने का फैसला किया। नीतीश कुमार ने आरजेडी से खुद को अलग किया और फिर नई सरकार का गठन किया। लेकिन नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच इशारों में भले ही शाब्दिक तौर पर जुबानी युद्ध चलता रहा हो, लेकिन जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री ने हमला बोला तेजस्वी यादव पर, ऐसा लगा मानो पूरी भड़ास 8 महीने की उन्होंने निकाल डाली। उन्होंने इशारों में यहां तक कह दिया कि तेजस्वी यादव को तो नेता उन्होंने बना दिया। नीतीश कुमार ने ये मंच पर सार्वजनिक तौर पर यह कह दिया कि तेजस्वी यादव, उन्होंने इशारों में कहा, नाम नहीं लेकर उन्होंने कहा, ये मैं मानता हूं कि मेरी गलती है कि मैं कैसे कैसे लोगों को कहां कहां मैंने पहुंचा दिया। और बस जाहिर सी बात है, तेजस्वी यादव पर इतना बड़ा और इतना कड़ा हमला हो जाए और आरजेडी चुप रहे, यह संभव भी नहीं था। आरजेडी ने फौरन पलटवार कर दिया, ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए। पार्टी ने कहा कि तेजस्वी यादव को किसी ने एहसान करके उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया, बल्कि आरजेडी विधायक दल के वो नेता थे इसलिए उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब जुबानी जंग शुरू हुई है, ये कहां जाकर थमेगी पता नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम नीतीश का कबूलनामा, हो जाती है बड़ी बड़ी भूल, इंसान को पहचानने में होती है गलती, गलत लोगों को पहुंचा दिया फायदा। कार्यक्रम था शराबबंदी के 2 साल पूरे होने का, लेकिन नीतीश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर इशारों में पूरी भड़ास निकाल दी और कह डाला कि गलत इंसान को मैंने कहां से कहां पहुंचा दिया। कुछ लोग अपने को जो बड़ा भारी भारी नेता बोलते हैं, अपना गलतियों से हम किसी को पहुंचा दिए कहां से कहां, क्या भाषण देता है, क्या भाषण दे रहा है। हम ऐसे ही किसी को अंदर से देखने की कोशिश नहीं करते हैं, बाहरी तौर पर देखते रहते हैं, हमको सब पर भरोसा रहता है, बना देते हैं, बाद में पता चलता है कि अरे तो गजब चीज है भाई। तो बाद में पार्टी का लोग हमको बांध करके कहता है, हंस के मेरा मजाक उड़ाता है, आप हमेशा फालतू निर्णय लेते रहते हैं। आदमी को चीनने के बारे में, पहचानने के बारे में, नीतियों के बारे में कभी कोई नहीं कहता है कि गलत लेते हैं। आरजेडी का सीएम पर पलटवार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी पर नीतीश कुमार के जोरदार हमले से आरजेडी तिलमिला गई और ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। मांझी जी को बनाया उन्होंने तो गलती से बना दिया, सुशील मोदी जी को बनाए थे तो उन्होंने कहा मैं गलती से बना दिया। आदरणीय तेजस्वी जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, ये अपने दल के नेता थे इसलिए बने थे, उसको उन्होंने कहा, उस पर उन्होंने कहा कि हम गलती से बना दिए हैं। तो यह स्वीकारते हैं कि मैं नीतीश कुमार नहीं हूं, गलती कुमार हूं, यही मानते हैं क्या? 26 जुलाई 2017 को नीतीश कुमार ने इस्तीफा देकर महागठबंधन सरकार को समाप्त किया था। इसके बाद तेजस्वी पर कई बार निशाना भी साधा, लेकिन पहली बार उन्हें बड़ा पद देने को अपनी गलती बताया है। इसके बाद पूरी आरजेडी गुस्से से लाल हो गई है। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। अमूमन इस तरह की कड़वाहट नहीं देखी जाती। अमूमन हमने नीतीश कुमार को नहीं देखा कि बहुत ज्यादा सख्त अंदाज में यह बात कहते हो, लेकिन नीतीश कुमार ने पिछले कुछ दिनों का जिक्र किया, तेजस्वी यादव के बयानों का हवाला दिया, उन्होंने ये तक कह दिया कि कुछ समझ में आती नहीं चीज़ें, कुछ लोगों को बस ट्वीट करने आ, उनका काम है कि सुबह और शाम ट्वीट करते रहते हैं। खैर, इस तरह के तमाम हमले किए उन्होंने तेजस्वी यादव पर। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें कि हमारे साथ कौन कौन मेहमान जुड़े हैं। भाई वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, आरजेडी एमएलए, बीजेपी प्रवक्ता संजय टाइगर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जेडीयू प्रवक्ता सुहेली मेहता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक हरखू झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है इस चर्चा में।
शुरुआत हम आरजेडी से ही करेंगे, भाई वीरेंद्र आपसे ही करेंगे। ये आठ महीने के बाद, आठ महीने तक ये चल रहा था, तकरार तो चल रही थी और अंदर खाने ये लग भी रहा था कि नीतीश कुमार बेहद नाराज होने के बाद वो बार बार कह चुके थे कि मैं करप्शन पे समझौता नहीं करता, इसलिए मैंने सरकार खत्म की। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आज हमला बोला है तेजस्वी यादव पर, इशारों में ये तक कह दिया कि मैंने अयोग्य व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचाकर बिठा दिया। सबसे बड़ी चीज है कि कोई मां के गर्भ से नेता नहीं बनता है। न नीतीश कुमार, न मैं, न देश के कोई बड़े नेता मां के गर्भ में कोई पैदा लेता है, उसके बाद सीखता है तो नेता बनता है। और जहां तक नेता विरोधी दल का मामला है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जी। उनका जवाब मुख्यमंत्री के पास नहीं है, जो सदन में, विधानसभा में, और जिस भाषा का प्रयोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया कि बाबू 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 रुको रुको रुको, नेता विरोधी दल को इस तरह की भाषा नहीं बोलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री तिलमिलाए हुए हैं और तिलमिलाहट में जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं यह अशोभनीय है। वो किसी को नेता नहीं बनाए हैं आज तक, लेकिन इनको, ये जानते हैं आप सभी, 1977 में जनता पार्टी की हवा थी, ये हार गए नीतीश कुमार जी। 1980 में लोकदल की हवा थी, उसमें ये चुनाव हार गए। 1985 में शरद यादव और लालू यादव ने मिलकर इनको एमएलए बनाया। 1989 में एमपी का टिकट देकर और इनको बाढ़ से एमपी बनाकर और केंद्र में सरकार बनी, तो आदरणीय उस समय के उप प्रधानमंत्री देवीलाल जी कृषि मंत्री थे, उनके राजमंत्री, उस समय दिल्ली भी शायद इनको नहीं देखा हुआ होगा। भाई वीरेंद्र, वर्तमान में देखिए सियासत जो है, और लालू यादव हर दिन बदलती है, राजमंत्री बनाने का काम किया। नहीं नहीं, सियासत हर दिन बदलती है और कहते हैं, और ये तिलमिलाहट में इनकी, तेजस्वी जी के विद्वता को ये उंगली दिखा रहे हैं। बिहार की जनता तेजस्वी प्रसाद यादव को नेता मान चुकी है और जनता का आवाज है कि नीतीश कुमार गद्दी खाली करो, कि तेजस्वी यादव आ रहा है। इनको तिलमिलाहट हो गई है, क्योंकि इन्होंने कभी बिहार में अच्छा काम नहीं किया, केवल बिहार में अपना चेहरा चमकाने के लिए। हम आपसे आपसे और सवाल लेंगे सुहेली मेहता जी, बार इन्होंने किया है, सुहेली मेहता जी के अलावा कुछ नहीं किया इन्होंने। सुहेली मेहता जी, क्या बांटने का काम किया है, जैसा कि कह रहे हैं भाई वीरेंद्र की नीतीश कुमार तिलमिला गए हैं तेजस्वी के बढ़ते कद से, क्या ऐसा है क्या? निश्चित रूप से उनके बढ़ते हुए कद और जनता का स्वीकारात्मक जो है, जनता जो स्वीकार कर रही है तेजस्वी यादव को, ये तिल मिला गए हैं। अभी और देखिए कौन कौन भाषा का ये प्रयोग करते हैं। लेकिन 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 सुहेली मेहता जी से पूछ रहे हैं, सुहेली मेहता जी, लेकिन नीतीश कुमार ने आज बहुत सारे बयानों का जिक्र किया, उन्होंने आंकड़ों के जरिए गिनाया और तब कहा कि तेजस्वी यादव पर तब इशारा उन्होंने किया कि ऐसे ऐसे बयान दिए जाते हैं कि जिसका ओर छोर नहीं होता, जिसकी कोई समझ नहीं होती। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी बिना मतलब का कभी नहीं बोलते, उनको बेवजह बोलने की आदत नहीं है। वो जो काम किए हैं बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए जो काम किए हैं, उसके बारे में जो बात करना होता है वो बात करते हैं। लेकिन यहाँ विपक्ष के नेता, जिनके बारे में कह रहे हैं भाई वीरेंद्र जी कि पैदाइशी कोई नेता नहीं होता, बात सही है, सिर्फ लालू प्रसाद जी के यहाँ को छोड़कर सही बात है कि कोई पैदाइशी नेता नहीं होता है। जिस तरह से आप इनके, इन्हीं के घर में देख रहे हैं कि जिनको शपथ पत्र भी पढ़ने नहीं आता है वो भी नेता बन के बैठे हुए हैं। इनकी तो ठीक है, कम से कम इनका लैंग्वेज सही है, बोलते हैं, लेकिन बड़बोलेपन में ऐसे ऐसी बातें बोल जाते हैं कि लगता है कि जो लोग इतने दिन से, 12 साल से जो हमारी सरकार बिहार में काम कर रही है, शिक्षा के क्षेत्र में काम की है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम की है, सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में काम किया है इन लोगों ने, बात बाकी जित आप प्रोफेसर हैं ना, बिल्कुल प्रोफेसर हैं, और आप सुन लीजिए ना, पहले धैर्य से बात चाहे वो प्राइमरी का हो चाहे हायर का हो, आज से 10 साल पहले सुनिए ना, पहले आप विद्वान बना के बैठा देते थे क्या लोग को, पहले आप बात सुनिए, हम जुड़े हुए इसीलिए बोल रहे हैं, हम जुड़े हुए हैं शिक्षा से इसलिए बोल रहे हैं कि शिक्षा में तरक्की लेकिन हुई सही है। बात बोलिएगा सुहेली जी, अच्छा लगेगा जनता को भी, ठीक लगेगा। पर दो घंटे में 10 किलोमीटर चलते थे, आज 200 किलोमीटर हम 2.5 घंटे में चलते हैं, अब इससे ज्यादा उदाहरण क्या हो सकता है?
गांव ये सब रघुवंश बाबू का देन है। बिजली है 18 घंटे 20 घंटे की बिजली है। मंत्री थे ग्रामीण विकास प्रसाद जी की देन है। वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा इस वक्त नहीं है। सुहेली मेहता जी और सुहेली मेहता जी भाई वीरेंद्र जी, ये तो मुद्दा ही नहीं है कि विकास कितना हुआ या नहीं हुआ। मुद्दा ये है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की भूल थे, ये उन्होंने स्वीकारा है। हटकाना चाह रही है ना? एक मिनट सुहेली मेहता जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने किए हुए कामों पर बोलते हैं और तेजस्वी जी दूसरे के किए हुए काम पर बेमतलब का बरबोलापन से। अच्छा चलिए, ये फर्क है, ये फर्क है। हम कांग्रेस के पास चलेंगे हरखू झा जी, उसके बाद हम बीजेपी के पास चलेंगे हरखू झा जी। हरखू झा जी, जनता हरखू झा जी, ये पहली बार मतलब 20 महीने के उस कार्यकाल को नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर कह दिया है कि उप मुख्यमंत्री जैसे पद के योग्य नहीं व्यक्ति को मैंने वैसा पद दे दिया कि जिसको ये तक समझ नहीं है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। ये हमारा भीख नहीं था, ये हम 80 विधायकों के वो विधायक दल के नेता थे। चाहूंगा जी, वो एक दो विधायक नहीं था। शराबबंदी पर हमने शराबबंदी को हम लोगों को बुलाया था और यहाँ हमारी रही सब्जेक्ट को चेंज कर दिया कि कौन क्या बोला, कौन क्या कहा। इस पर यादव की कृपा रही, नीतीश कुमार जी के चेहरे को आगे नहीं करते ना, तो कहाँ रहते उसका कोई इशारा नहीं। सुहेली मेहता जी और भाई वीरेंद्र सुहेली मेहता जी, एक मिनट हरखू झा जी को बोलने दीजिए। भाई वीरेंद्र आपके सहयोगी हैं हरखू झा जी, प्रदायक शक्तियों को रोकने के लिए बना था। भाई वीरेंद्र हरखू झा जी को बोलने दीजिए। सीट का बंटवारा हुआ था, भारी मन से हम लोगों ने चुनाव संपन्न हुए, जो सबसे हाईएस्ट पार्टी में आरजेडी जीत कराया, दूसरा में जेडीयू जीत कराया, तीसरा में कांग्रेस जीत कराया। मुख्यमंत्री आरजेडी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने डिसाइड किया कि श्री तेजस्वी यादव हमारे दल के नेता होंगे और वो सदन के नेता घोषित किए गए। आरजेडी से जो समझौता हुआ था उसमें आरजेडी ने तय किया कि तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम बनेंगे, जो उनके पार्टी का फैसला नहीं। इसमें तो नीतीश कुमार ने कुछ बोला ही नहीं है। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं सब कि ये मेरी गलती थी कि मैंने एक ऐसे आदमी को, तकाजा है कि जनता जिसको चुनती है और जो पार्टी डिसाइड करती है, वो पार्टी का निर्णय था कि तेजस्वी यादव सदन के नेता बनेंगे और डिप्टी सीएम बनेंगे, ये नीतीश कुमार का निर्णय नहीं था। इसी के तहत नीतीश कुमार जी को बनाना पड़ा। इसे नीतीश जी ने कोई कृपा अनुपन नहीं किया है। नीतीश जी के पार्टी से जायदे सदस्य उनका सदस्य जीत कराया था बिहार में, उनकी जायदे पकड़ थी बिहार में, जायदे उनका मतलब रुतबा है, इसीलिए नीतीश जी को ये बात मानना पड़ा। टाइगर जी, नीतीश जी पर ये जरूर कृपा हुई, नीतीश जी पर ये जरूर कृपा हुई कि वो मांझी को हटा कर करके हम लोगों ने फिर से उनको मुख्यमंत्री बना दिया। अच्छा ठीक है संजय टाइगर जी कि मांझी जी जैसे आदमी को हटा कर करके हम लोगों ने उनको, ठीक है संजय टाइगर जी, अब आप बोलिए। संजय टाइगर जी आपकी बारी है, ये बताएं कि बीजेपी के साथ गठबंधन खत्म होने के बाद भी कभी उन्होंने ये नहीं कहा था कि बीजेपी में हम सुशील मोदी को मैंने गलत कर दिया बनाकर, नाराजगी उन्होंने जताई थी लेकिन ये कहा नहीं था। ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी उनको कि तेजस्वी यादव को अगर मैंने बनाया तो मैंने गलत व्यक्ति को एक बड़े पद पे पहुंचा दिया? देखिए, नीतीश कुमार जी की बड़प्पन है कि उन्होंने अपने भूल को स्वीकार किया। आम आदमी अपने भूल को स्वीकार करने में हिचक दिखाता है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने भूल को स्वीकार किया और इस तथ्य को और इस सच्चाई को सबको स्वीकार करना चाहिए। आप देखिए, अगर नीतीश कुमार जी के साथ राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन नहीं हुआ करता होता तो राष्ट्रीय जनता दल की क्या हालात होती। 2010 के चुनाव में भाजपा जदयू मिलकर लड़ी थी तो 22 सीटें मिली थी राष्ट्रीय जनता दल को, और वह भी तब जब रामविलास जी और उनकी पार्टी लोजपा उनके साथ थी। तो इनकी हालात क्या होती, तो प्रतिपक्ष के नेता के दर्जा के लिए जो न्यूनतम 25 विधायकों का शर्त है बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा नियम प्रक्रिया था संचालन नियमावली में, उसमें 25 सदस्य होने चाहिए, तो इनको तो प्रतिपक्ष का दर्जा भी नहीं मिलता। लेकिन उप मुख्यमंत्री बन गए और सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद प्रतिपक्ष के नेता बने हैं, क्योंकि 80 सीट इनको नीतीश कुमार के चेहरे पर मिला था। नीतीश कुमार को घोषित करके चुनाव लड़ा गया था तो उसका लाभ इनको मिला। अब नीतीश जी ने कह दिया तो क्या बुरा मान गए? बाबू कह रहे हैं आप, चाचा जी कह रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री को, क्यों जीते तो हम 80 क्यों जीते? बाबू ये कह दिया, चाहता हूं संजय टाइगर जी, इसमें आप तो इस बार चुनाव हार गए हैं संदेश से,
संदेश की जनता ने आपको नकार दिया है। चुनाव तो आपके संदेश की जनता ने आपको नकार दिया हारे हैं और आप 71 क्यों जीते आप 54 क्यों जीते और आप क्यों जीते कांग्रेस 27 क्यों जीता ये जानना चाहिए ना। लेकिन भाई वीरेंद्र जरा ये सोचिए, भाई वीरेंद्र जरा इसको ऐसे सोचिए कि नीतीश कुमार बिहार की जनता ये सब जान गई है, पब्लिक है सब जानती है। भाई वीरेंद्र जरा ये सोचिए कि नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि मेरी पार्टी के नेता भी मुझे कहते हैं और आप जो गला भर भर कर बोल रहे हैं आपने लूट लिया बिहार को सब्जबाग दिखाकर नौजवानों को नौकरी देंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे और गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम। संजय टाइगर जी एक मिनट मैं रुक जाइए। भाई वीरेंद्र जरा मेरी बात सुनिए। भाई वीरेंद्र जांच होगा तो पता चलेगा, बोलने देंगे। भाई वीरेंद्र बारी बारी से बोलिए, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा एक एक करके। भाई वीरेंद्र मेरा सवाल आपसे ये है कि नीतीश कुमार ने मंच पर ये कहा कि मेरी पार्टी के नेता भी मुझे कहते हैं और इसका मतलब है कि पार्टी में नेताओं को इतनी छूट है कि वो अपने अध्यक्ष को कह सके। वो कह रहे हैं कि पार्टी के नेता मुझे कहते हैं कि आप इंसान पहचानने में गलती कर जाते हैं, आपने गलत आदमी को चुना। मैं महागठबंधन में रहा हूं जी, आप ये जान लीजिए विधायक दल के महागठबंधन के पहला मैं एमएलए हूं जी, जो मैं नीतीश कुमार के कमियों को दर्शाने का काम किया था विधायक दल की बैठक में और वो गुस्सा से काले हो गए थे, अब तमतमा गए थे। उनके विधायक की किसी की हैसियत नहीं है विधायक दल के समय ही बैठक कहा में था कुछ बात करने की कि अगर और कभी नहीं चंदन से और मैंने सवाल उठाए थे तो चंदन आपके राज में विधायकों का सम्मान खत्म हो रहा है, जहां विधायक की खत्म होगा लोकतंत्र पर खतरा है। आप ये जान लीजिए मैंने हमेशा सही बात को उठाने का काम किया और सही लोकतंत्र पर खतरा है परिवारवाद से और वंशवाद से, लोकतंत्र को परिवारवाद और वंशवाद से खतरा है। कुमार जी को दिल्ली नहीं देखा था, संजय टाइगर जी उसका बेटा विधायक लाल किला दिखलाने का काम किया है और संसद दिखाने का काम किया है, जब उसका नहीं हो सकते हैं तो ये नीतीश। चलिए भाई वीरेंद्र जी आपने अपनी बात कह दी, अब दूसरे को बोलने दीजिए। भाई वीरेंद्र जी तो नीतीश कुमार जी, चलिए भाई वीरेंद्र जी आपने अपनी बात कह दी, अब सुहेली मेहता जी को बोलने दीजिए। सुहेली मेहता जी बाजार में मिलते उसका इस्तेमाल सुहेली मेहता जी की बारी है आप बोलिए क्या पार्टी के अंदर जैसा नीतीश कुमार कह रहे थे और बड़े हंसते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता भी मुझे कह देते हैं कि हाँ मुझसे इंसान को पहचानने में गलती होती है, क्या वाकई ऐसा होता है पार्टी के नेता नीतीश कुमार को टोक देते हैं? बोलते हैं तभी ना मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है, बोलते हैं तभी ना मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है। भाई वीरेंद्र पार्टी जैसा थोड़ी है कि पहले से पूरा सेटिंग रहता है कि विधायक दल का नेता इसको होना है तो होना है। 71 क्यों जीते मैं ये जानना चाहता हूँ। भाई वीरेंद्र जी एक मिनट, भाई वीरेंद्र जी धोखा दिया इसलिए आप लोगों ने धोखा दिया इसलिए 71 जीते। विधायक क्यों आप चुने? आपने हमारी ईमानदारी का फायदा उठाया, आपको हमारी ईमानदारी का फायदा मिला। 22 क्यों जीते थे 2010 में ये बताइए ना आपको। अब 12 आप लोकसभा में 4 सीट और 2010 में 22 सीट क्यों जीते थे ये बताइए। चाहते हैं आप जुमलेबाज हैं, नीतीश जी साथ में नहीं थे जुमला करकर 22 सीट। चलिए अब हम आपको एक बयान सुनाते हैं, आप सबको रोकना चाहेंगे यहाँ पर, आप सबको रोकना चाहेंगे, एक बयान सुनाते हैं जीतन राम मांझी का, एक बयान सुनाते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा है शराबबंदी को लेकर। ये बड़ा दिलचस्प बयान है और मुझे लगता है भाई वीरेंद्र जी आपको भी सुनना चाहिए। भाई वीरेंद्र जी जरा सुनिए एक बार, एक बयान सुनिए जीतन राम मांझी का। अभिषेक जी, चोरी शराब नीति हो ठीक ना हो और हम कहे थी कि अगर हमनी अभी महागठबंधन में ही लालू जी के साथ है और हमनी के सरकार अगर बन ले ई कानून के हमनी रद्द कर देवे और रद्द करके जो 1991 के कानून है उकरे तहत शराबबंदी के हिसाब हमनी लगाई।
हरखू झा जी, आप काफी देर से कह रहे थे कि ये मुद्दा, चूंकि हमारा मुद्दा ये था कि शराबबंदी के दौरान, ये दो साल के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने क्या क्या कहा, हमने इसलिए तेजस्वी यादव का भी जिक्र किया, लेकिन चलिए आप शराबबंदी पे बात करना चाहते हैं, हम उसका भी जिक्र आपसे ही कर लेते हैं। आप बताएं, एक तरफ मुख्यमंत्री लगातार इस बात को लेकर खुश नजर आ रहे हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि प्रदेश में शराबबंदी हुई है और नशा मुक्ति की तरफ बढ़ रहा है प्रदेश, लेकिन जीतन राम मांझी ने कह दिया कि महागठबंधन की सरकार आएगी, शराबबंदी रद्द होगी और लोगों को शराब पीने की छूट मिलेगी, 1991 के हिसाब से कानून के मुताबिक चलेगा। यहां तक उन्होंने पूरा बयान आप सुनेंगे तो उन्होंने ये तक कहा है कि थोड़ी थोड़ी शराब पीने में कोई बुराई नहीं है, तो क्या प्रदेश को आप फिर उसी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? हरखू झा जी, हरखू झा जी, देखिए शराबबंदी पर जहां तक हमारे पार्टी का पक्ष है, महागठबंधन में जब ये विचार आया था तो मेरे ही पार्टी का मिनिस्टर थे शराब का, ये निबंधन मंत्री, और उसका हम लोगों ने समर्थन किया था, समर्थन अभी भी शराबबंदी के लिए ही है। लेकिन जिस प्रकार से बिहार में शराबबंदी का कानून का धज्जी उड़ाया जा रहा है, आपको याद होगा कि 2 महीना के बाद किसके घर में शराब पकड़ा है नालंदा में, जनता दल जिला यूनाइटेड पार्टी के अध्यक्ष के घर में, उसके एवज में प्रधान सचिव के पाठक को जो शराबबंदी के कारण वो पॉपुलर हुए थे, उनको 2 महीना में वहां से तबादला कर दिया गया। नहीं नहीं, आज तक ये बताइए ना कि जीतन राम मांझी के बयान का क्या समर्थन करते हैं? जीतन राम मांझी के बयान का समर्थन करते हैं? क्यों हटाया गया? जीतन राम मांझी ने ये दावा कैसे कर दिया कि महागठबंधन की सरकार आएगी तो शराबबंदी रद्द होगी? सुन रहा था आज मैं मुख्यमंत्री जी का बयान सुन रहा था। हरखू झा जी, जीतन राम मांझी ने ये दावा कैसे कर दिया? उन्हीं के बयान को मैं कोट कर रहा हूँ कि 1,27,000 आदमी जेल में गिरफ्तार हुआ है, जिसमें अभी 8,000 आदमी जेल में बंद है, तो बंद 8,000 है ना, तो उन्हीं आंकड़ों पर तो मुख्यमंत्री ने सवाल उठाए। पहले ये कहा जा रहा था कि 1,00,000 लोग जेल में बंद है, बंदी से बिहार में कोई फायदा नहीं हो रहा है। हाँ, ये 1,40,000 नॉट 1,00,000, 1,40,000 बिहार के महागठबंधन में किए गए थे। अच्छा ठीक है, भाई वीरेंद्र आप बताएंगे क्या जीतन राम मांझी का दावा सही है? जीतन राम मांझी का दावा सही है, महागठबंधन की सरकार शराबबंदी को रद्द करेगी और फिर से बिहार में शराब पीना लोग शुरू करेंगे? सुशील मोदी जी इसको तालिबानी कानून बता करके ये किए थे, कुछ प्रावधानों पर भारतीय जनता पार्टी की दोहरी चरित्र है, समर्थन हमने विरोध में दोहरी चरित्र है। जी बताएं भाई वीरेंद्र, मैंने आपसे पूछा है, अभिषेक जी हम लोगों ने समर्थन किया है, अभिषेक पूछा है तो ये जान लीजिए कि नीतीश कुमार के राज में एनडीए की सरकार थी, महागठबंधन की सरकार शराबबंदी रद्द करेगी, मोहल्लों में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो शराबबंदी कानून रद्द होगा या नहीं? बनाना शुरू कर दिया कि गांव के लोग गांव पीकर घर में रहे और हम जो लूटते हैं लुटने की छूट मिल जाए, हम लोगों ने इसका विरोध किया और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस मुद्दों को बिल्कुल नहीं। भाई वीरेंद्र, इसको गौर कीजिएगा, अगर जीतन राम मांझी ने यह बयान दिया है तो जनता के बीच ये मैसेज जाएगा कि आप एक बार फिर शराबबंदी रद्द करके बिहार में शराब पीने की छूट देने वाले हैं। अगर जीतन राम मांझी के बयान को माने तो बंदी के पक्ष में नहीं है, हमारी बात को सुनी जाए, हमारे राष्ट्रीय जनता दल का जो सोच है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पास वक्त की कमी है लेकिन हम चाहेंगे कि जीतन राम मांझी अगर कुछ बयान देते हैं तो गठबंधन में एक बार आम राय बने कि आखिर है क्या आपकी नीति, क्या रणनीति के तहत आप चुनाव में जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बात बेबाक में फिलहाल इतना ही, बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ, नमस्कार।